ये 0 नंबर की लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है और इसके लिए मैंने 2.5 mm की क्रोशे हुक का यूज़ किया है और ये बहुत ही इजी है और बहुत ही क्यूट भी लगती है। चाहे तो आप इसे, मैंने इसे एक थ्रेड में एक कलर से बनाया है, आप इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। देखिए इसके लिए मैंने लिए 2.5 mm की क्रोशे हुक। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 चेन बनाएंगे। 15 चेन बनाने के बाद देखिए धागा लपेटा, फिर ये एक, देखिए 1, 2, 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाली में क्रोशे को डालेंगे। तो देखिए धागा लपेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन, 3 चेन स्किप करी, फोर्थ वाली में एक डबल क्रोशे बनाया इस तरह। इसके नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशे बनाया, तो इस वाले राउंड में हम सभी में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी में एक एक डबल क्रोशे बनाए। तो ये टोटल, ये 3 चैने भी एक डबल क्रोशे काउंट होगी, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैने स्किप करी थी, टोटल 13 डबल क्रोशे हो गए हमारे पास इस राउंड में। अब नेक्स्ट के लिए देखिए 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे अपने पैटर्न को। अब जो ये फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर 3 चैने बना ली, नेक्स्ट वाली में 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बनाए। देखिए इस वाले राउंड में फर्स्ट चेन में और लास्ट चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाना है, बाकी सभी में 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो हर चेन में अब 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से बना। अब जो लास्ट वाली चेन है, हमने 3 चेन बनाई थी जो ये, उसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे लास्ट में इस तरह, और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट में 1 डबल क्रोशे और लास्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशे और बाकी बीच में सभी में 2 डबल क्रोशे। इस तरह से इस वाले राउंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशे होंगे। इनको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 24 और फर्स्ट वाले में हमारे पास 13 डबल क्रोशे बने। तो इस तरह से ये राउंड बना। अब हम इसके बाद जो बनाएंगे, पहले हम चोली बना रहे हैं इसकी। ये देखिए 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। ये देखिए इस वाली फर्स्ट वाली डबल क्रोशे के ऊपर 3 चेन बना ली, नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशे बनाया। अभी जो 3 चेन है ये भी 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे इस तरह से, 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें भी 1 डबल क्रोशे बनाया, 3 डबल क्रोशे। उससे नेक्स्ट वाली में देखिए 4 चेनों के ऊपर 4 डबल क्रोशे हो गए हमारे इस तरह। अब देखिए धागा लपेटा, अब 1, 2, 3, 4 चेन स्किप करी, फिफ्थ वाली में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। तो देखिए ये हमारी पहली बाजू निकल गई। अब नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट वाली में 3 डबल क्रोशे, 4, 5 7, ये बैक साइड बन गई, फ्रंट या बैक जो आप पहनाएंगे, 8, ये 8 डबल क्रोशे बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डबल क्रोशे बने। इसके बाद धागा लपेटा, फिर से देखिए 1, 2, 3, 4 चैन स्किप करें, फिफ्थ वाले में क्रोशे को डालेंगे 1 डबल क्रोशे इस तरह से, 1, 2, 3 डबल क्रोशे। अब देखिए लास्ट में जो हमने 3 चेनें बनाई थी उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे
और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फोर्थ डबल क्रोशे बन गया हमारा। तो देखिए इस तरह से ये जो है हमारी चोली बन गई। अब इसको सीधा करके इस तरह से करेंगे, ये हमारी गोपाल जी की ये जो है चोली बन गई, ये ज़ीरो नंबर के गोपाल की, गोपाल जी की, देखिए इस तरह। अब देखिए हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो जो हमने तीन चेन बनाई थी उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप रिश्ते से जोड़ लेंगे। तो ये इस तरह बन गई। अब यहाँ से देखिए हमारे पास एक मिनट, पहले देखिए आठ ये वाली चेन है, सॉरी आठ ये वाले डबल क्रोशे हैं और ये फोर इस तरफ के, फोर इस तरफ के, टोटल हमारे पास कितने हो गए, आठ, चार और चार, यानी टोटल 16 डबल क्रोशे हो गए। अब देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए हमें क्या करना है, एक दो तीन चेन बनाएंगे। अब घेरा बनाएंगे, हम तीन चेन बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशे ही काउंट होगा। नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे, एक डबल क्रोशे और ये दो डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे बनेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट वाली में दो डबल क्रोशे। तो इस वाले राउंड में हमें एक चेन में एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में दो, एक में एक, एक में नेक्स्ट में दो, इस तरह से फर्स्ट में एक सेकंड में दो, फर्स्ट में एक सेकंड में दो बनाते जाना है इस राउंड के पूरे। देखिए लास्ट में जो तीन चेन है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप रिस्से से जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए बना एक में एक और एक में दो, फर्स्ट में एक सेकेंड में दो। तो इस तरह से हमारे पास टोटल इस राउंड में 24 डबल क्रॉश हो गए। अब देखिए नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे, तीन चेनें एक डबल क्रॉश काउंट होंगी और इसी वाली चेन में एक और डबल क्रॉश बनाएंगे, दो डबल क्रॉश, फिर एक और ये दो चेन बनाएंगे, इसी वाली जगह पे एक डबल क्रॉश और ये एक और डबल क्रॉश, दो डबल क्रॉश, दो डबल क्रोशे, दो चेन, दो डबल क्रोशे, इस तरह से फैन बनाएंगे, फिर एक और ये दो चेन बनाएंगे। अब देखिए फिर एक दो तीन चार, एक एक दो तीन चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पर भी फिर दो डबल क्रोशे, दो चेन, दो डबल क्रोशे की फैन बनाएंगे, दो डबल क्रोशे, दो चेन, फिर इसी वाली जगह पे दो डबल क्रोशे और इस तरह से, फिर एक और ये दो चेन बनाएंगे। फिर देखिए एक दो तीन चेन स्किप करी, फोर्थ वाली में एक दो डबल क्रोशे, दो चेन, दो डबल क्रोशे बनाएंगे, दो डबल क्रोशे इस तरह से, देखिए दो चेन्स और इसी में दो डबल क्रोशे और एक और ये दो, फिर एक और ये दो चेन बनाई, इस तरह से राउंड बनेगा। यहाँ से एक दो तीन चेन स्किप करी, नेक्स्ट वाले में फिर से दो डबल क्रोशे, दो चेन, दो डबल क्रोशे, इस तरह से राउंड बनाते जाएंगे अपना। अब देखिए ये इस तरह से बना, लास्ट में दो चेन बनाई, फिर से यहाँ से एक दो तीन चेन स्किप करी, जो फोर्थ वाले में हमने ये बनाया है पैन, तो ये इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे अपने पैटर्न को इस तरह से, इस तरह। अब देखिए जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशियो को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, तो हमारा एक क्रोशियो इस वाली डबल क्रोशियो के ऊपर आ गया। फिर इसके ऊपर तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन एक डबल क्रोशियो काउंट होगा। अब देखिए ये जो दो चेन वाली जगह है यहाँ पर आ गए, फिर इसमें भी दो डबल क्रोशे, दो चेन है और दो डबल क्रोशे बनाएंगे, ये दो डबल क्रोशे, दो चेन और ये दो डबल क्रोशे, इसमें एक और ये दो। देखिए अब ये जो हमने एक डबल क्रोशे के ऊपर तीन चेने बनाई हैं, ये भी एक डबल क्रोशे काउंट होगा। तो अब इसमें भी हम देखिए ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे, इसके ऊपर जो चेन है इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। इस वाले राउंड में देखिए तीन डबल क्रोशे, दो चेन और तीन डबल क्रोशे हो गए, फिर दो देखिए चेन बनाएंगे और फिर से ये वाली स्किप करेंगे डबल क्रोशे, और जो ये सेकंड वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर ये दो चेन वाली जगह पे एक डबल क्रोशे और ये एक और डबल क्रोशे बनाया,
तीन डबल क्रोशे एक साथ बनाए, फिर दो चेन बनाई और इसी वाली जगह पे एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे बनाए दो चेन वाली जगह पर, फिर ये डबल क्रोशे जो फर्स्ट वाला है इस तरफ से इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। तो देखिए तीन डबल क्रोशे दो चेन है, तीन डबल क्रोशे बनाए, फिर यहाँ पे दो चेनों का गैप देंगे, फिर ये जो इसको स्किप करेंगे जो फर्स्ट वाली डबल सेकंड वाली डबल क्रोशे, यहाँ से ये फर्स्ट और ये जो सेकंड वाली है इसमें डबल क्रोशे, तो इस तरह से बनाएंगे पूरे राउंड के एंड तक। देखिए इस तरह से बना, लास्ट में ये देखिए एक और ये दो चेन बनाई, तीन डबल क्रोशे दो चेन तीन डबल क्रोशे, अब ये दो चेन बनाई, अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए ये इस तरह से हमारा ये वाला राउंड बना। अब देखिए नेक्स्ट में ये जो ये तीन चेन भी एक डबल क्रोशे है, तो ये देखिए अपना जो क्रोशे के ये जो ये वाला डबल क्रोशे और ये वाला डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह। तो एक इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए एक दो तीन चेन बनाएंगे, तीन और बनाएंगे तीन। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे इस तरह और स्लिप स्टिच करेंगे, पल स्टिच बनाएंगे ये जो पिकॉट, फिर नेक्स्ट धागा लपेटेंगे। अब ये जो दो डबल क्रोशे के बीच में जो गैप है, दो डबल क्रोशे ये देखिए इनके बीच में क्रोशियो को डालेंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे इस तरह। यहाँ पर भी एक दो तीन चेन बनाएंगे और जो लास्ट में तीन चेनों के लास्ट में ये एक और ये जो दो लूप हैं इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, पिकॉट स्टिच पर्ल स्टिच। अब देखिए इस तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम ये दो चेन वाली जगह पे आ गए क्योंकि हमें दो डबल क्रोशे के बीच में डालना है, तो अब हमारे पास दो चेन वाला स्पेस है। तो इसमें एक डबल क्रोशे बनाया, फिर एक दो तीन चेन बनाई और ये जो लास्ट में जो दो लूप हैं ये वाले क्रोशे को डाला, स्लिप स्टिच किया इस तरह। अब देखिए जो दो चैन वाली जगह पे एक डबल क्रोशे एक पर्ल स्टिच पिकॉट और किया, फिर इसके बाद दो बार लपेटा क्रोशे में धागे को और यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे, एक बार निकाला दो बार निकाला और ये तीन बार निकाला, फिर यहाँ पर भी हम पर्ल बनाएंगे तीन और जो लास्ट के ये जो एंड में जो दो लूप हैं तीन चैनों के इनको स्लिप स्टिच की हेल्प से पर्ल बनाया। अब फिर इसी जगह पर दो चैन वाली जगह पे एक डबल क्रोशे किया, फिर यहाँ पर भी एक दो तीन चैन बनाई और ये जो दो लूप हैं ये देखिए इस ये वाले इनमें क्रोशे को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। तो देखिए ये जो दो चैन वाला स्पेस है हमने इसमें एक डबल क्रोशे पिकॉट पर्ल स्टिच, फिर एक ट्रिपल क्रोशे पर्ल स्टिच और एक डबल क्रोशे पर्ल स्टिच, यानी तीन हमने एक डबल क्रोशे एक ट्रिपल क्रोशे एक डबल क्रोशे किया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट ये जो दो डबल क्रोशे के बीच में जो जगह है फिर से इसमें क्रोशे को डालेंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशे फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे और ये जो एक दो लूप से लास्ट के स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से धागा लपेटा ये पर्ल बना और ये देखिए अब इसके नेक्स्ट में जो दो डबल क्रोशे इनके बीच में जो जगह है उसमें एक डबल क्रोशे फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे और ये जो दो लूप्स हैं लास्ट के इनको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। तो देखिए ये हमारा इस तरह से बना। अब हम ये जो दो दो चैन वाली स्पेस है कनेक्ट करने वाली इसमें आ गए। अब देखिए यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और अपनी जो क्रोशियो को इस तरह से डालेंगे, ऐसे लॉन्ग स्टिच बनाएंगे, एक बार निकालेंगे और फिर ये दो लूप हैं इनको एक साथ निकालेंगे इस तरह, फिर एक चेन बनाएंगे। अब धागा लपेटा ये जो दो डबल क्रोशे के बीच में जो जगह है डबल क्रोशे बनाया, देखिए इस तरह से ये लॉन्ग स्टिच बना हमारा, फिर ये डबल क्रोशे, फिर इस तरह से देखिए पर्ल स्टिच बनाएंगे पिकॉट, एक दो तीन चेन बनाई, जो ये देखिए लास्ट में जो दो लूप है स्लिप स्टिच पर्ल स्टिच बनाया यहाँ पे, फिर ये जो नेक्स्ट वाली जो दो डबल क्रोशे के बीच में जगह है डबल क्रोशे किया, फिर एक दो तीन चेन बनाई और ये जो दो लूप हैं एक ये दो देखिए इस तरह स्लिप स्टिच। अब ये दो चेन वाली जगह पे आ गए, यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे, ये देखिए इस तरह से बनेगा हमारा, बहुत इजी है।
फिर इसके ऊपर पर्ल स्टिच पर्ल बनाएंगे जो दो लूप हैं, फिर एक ट्रिपल क्रोशे, एक डबल क्रोशे के बाद एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, इसके ऊपर भी पर्ल बनाएंगे। देखिए जो दो लूप हैं, फिर इसी वाली जगह पे एक डबल क्रोशे, फिर एक दो तीन चेन, फिर जो दो लूप हैं स्लिप स्टिच पर्ल बनाएंगे इसके ऊपर भी। अब देखिए ये जो दो, ये बनाने के बाद दो डबल क्रोशे के बीच में जो जगह है डबल क्रोशे, इस तरह फिर से नीचे दो डबल क्रोशे के बीच में जगह है डबल क्रोशे, फिर एक तीन पर्ल बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से ये बना, जैसे हमारा ये बना है। अब हम ये वाली जगह पे आ गए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चेन बनानी होगी और अपने क्रोशे हुक को इस वाली जगह पे इस तरह से डालना पड़ेगा। और ये एक बार निकाला, फिर ये दो लूप बचे इनको ऐसे निकाला, फिर एक चेन बनाई। अब नेक्स्ट ये जो दो डबल क्रोशे के बीच में जगह है डबल क्रोशे, फिर पर्ल, इस तरह से देखिए ये अपने एंड तक राउंड में बनाएंगे। और जो ये दो चेन वाला स्पेस है इसमें एक लॉन्ग स्टिच बनाएंगे इस तरह से इन वाली जगहों पे, तो बनाते जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बनेगा। अब ये जब हम ये दो चैन वाली जगह पे पहुँचेंगे, एक बार और दिखा दूँ, एक चैन बनाई पहले तो, और फिर ये अपने क्रोशे को इस तरह से डाला, लॉन्ग स्टिच बनाया, पहले एक चैन निकाला, फिर दो लूप हैं इनको एक साथ निकालेंगे इस तरह, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर ये दो डबल क्रोशे के बीच में जगह है, फिर इस तरह से बनाएंगे ये लॉन्ग स्टिच। देखिए इस तरह से अब एक चैन बनाई, अभी जो ये है इसमें ऐसे डालेंगे, एक चेन ऐसे बनाई और फिर दो लूपों को एक साथ निकाला, फिर एक चेन बनाई। अब ये जो थर्ड वाली चेन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें क्रोशे को डाला, स्लिप स्टिच से जोड़ा, फिर एक चेन बनाई। अब देखिए अपनी थ्रेड को थोड़ा सा लंबा काटेंगे ताकि इसमें हम सुई डाल सकें। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन गया। देखिए इस तरह से ये गोपाल जी की ड्रेस बन गई, 0 नंबर की छोटी सी। अब देखिए इसमें सुई डालेंगे इसमें, और बैक साइड में ये जो लूप्स हैं इसमें जो ये सुई को डालते हुए ले जाएंगे इस तरह से बैक साइड में, ताकि हमारी थ्रेड हाइड हो जाए, दिखे ना और निकले भी ना, सिक्योर रहे हमारा पैटर्न। देखिए इस तरह, ये आप क्रोशे हुक की हेल्प से भी कर सकते हैं, सुई की हेल्प से और भी इजीली हो जाता है। देखिए इस तरह से किन्हीं भी लूपों में डाल के बैक साइड में अपने थ्रेड को हाइड कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा बची हुई थ्रेड है कट कर लीजिए उसे। और ये जो ये वाली थ्रेड है इसको भी सुई की हेल्प से, क्रोशे हुक की हेल्प से हाइड कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये बना। चाहे तो आप इसमें आउटलाइन भी कर सकते हैं सिंगल क्रोशे से या हाफ डबल क्रोशे से इसमें, और बाजू में भी। देखिए जैसे ये ड्रेस है, मैंने इस वाली ड्रेस में देखिए स्टोन्स लगाए हुए हैं ये ग्लू की हेल्प से, फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो आप भी यहाँ पर ये देखिए स्टोन्स लगा सकते हैं, हाफ पर्ल्स लगा सकते हैं यहाँ पर अपनी ड्रेस में। तो ये 0 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है। इसके लिए मैंने ये वाली जो स्टोन्स हैं ये वाली यूज़ की हैं, रेड कलर की। ये देखिए इस तरह से ये लगाएंगे हम। ये जो फैब्रिक ग्लू है ये इधर पे इस वाली जगह पे ऐसे लगाएंगे और इसके ऊपर स्टोन्स लगाएंगे। देखिए जब भी आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हैं अपने फैब्रिक में, तो अपने फैब्रिक को वॉश ना करें कम से कम 4-5 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, ताकि ये स्टोन्स और मजबूत हो जाएं। और जब भी इसे वॉश करें हल्के हाथों से वॉश करें और भिगो के ना रखें। जैसे गोपाल जी के कपड़े हैं ये हम शैम्पू में या सर्फ में हल्के हाथों से
सर्व के पाउडर में हल्के हाथों से वॉश करते हैं तो उस तरह से। और ये इन्हें लगाने के बाद आप 4-5 दिन तक कम से कम ना धोएं, चाहे तो 1 हफ्ते तक, तो ये मजबूत रहेंगे, टिक जाएंगे। उसके बाद आप हल्के हाथों से इन्हें वॉश कर सकते हैं, निकलेंगे नहीं ये। और भिगो के ना रखें तो ये देखिए इस तरह से जैसे हमने ये लाइनों में लगाए हैं इस तरह से आप लगाएं इसमें। इस तरह से ये स्टोन्स लग गए इसमें। आप चाहे अपनी पसंद के मोतिया स्टोन्स लगा सकते हैं। ये देखिए 0 नंबर की लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है और ये बहुत ईजी है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। देखिए मैंने इसे एक कलर के थ्रेड से बनाया है, आप चाहे तो 2 कलर से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।